तो की हाल चाल सबके, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका बहुत स्वागत है आपका चैनल गेमर नीलू में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बारे में। हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा बोला गया है जिसे सुनकर आपका मन फिर से उदास हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए और आपको ये भी पता चले कि पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन कब तक होगा और कब तक होने के चांसेस हैं और कितने ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के मेंबर बन सकते हो, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और यार आप पबजी मोबाइल या कोई भी अनदर गेम हो उससे हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपको पता ही होगा कि आज PUBG मोबाइल को बैन हुए शायद 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग PUBG मोबाइल जो है खेल पा रहे हैं अपने मोबाइल, मतलब PUBG मोबाइल जो गेम है वो अपने मोबाइल पे अभी भी खेल पा रहे हैं। अभी तक बैन नहीं हुआ है, मतलब सर्वर उसका डाउन नहीं हुआ। बैन तो हालांकि हो ही चुका है, प्ले स्टोर वगैरह से हट चुका है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर कुछ भी हो आपका उस वहाँ से हट चुका है, लेकिन हमारा इंडियन सर्वर अभी भी चालू है। ऐसा क्यों है आपको पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 70 क्वेश्चंस PUBG मोबाइल को लिख के भेजे हैं जिनका आंसर PUBG मोबाइल को 3 वीक के अंदर करना होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं यार, ये इतने भी मतलब जो 70 सवाल पूछे गए हैं वो बहुत मतलब ध्यान में रख के मतलब सवाल किए गए हैं, जिसका यार जवाब देना PUBG मोबाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये बात मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि PUBG इंडियन गवर्नमेंट जो है PUBG को लेके अपने कंट्री के सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगी जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो कि हाँ PUBG मोबाइल अब सेफ है, पूरा हमारे इंडियन सिक्योरिटी मतलब इंडियन प्राइवेसी डाटा को कोई भी लीक वगैरह नहीं कर सकता, तब तक वो PUBG मोबाइल को अनबैन नहीं करने वाले। और ऐसा ही कुछ अभी हमें एक आर्टिकल देखने को मिला जहां पे यहां पे अभी आप पढ़ सकते हो कि यहां पे साफ साफ ऑपरेटर्स जो है उनको कहा गया। ऑपरेटर्स कौन है बता देता हूं, जियो आइडिया बीएसएनएल वगैरह जितने भी हैं उन सारे ऑपरेटर्स को कहा गया है कि जितने भी बैंड गेम है उनका उनका मतलब आप लोग को सर्वर को डाउन करना है। जी हां दोस्तों, लेकिन PUBG मोबाइल का अभी तक नहीं हुआ है, बाकी सारे का लगभग मेरे ख्याल से सर्वर डाउन हो चुका है बस PUBG मोबाइल को छोड़ के। अब आप लोग ये मत समझना कि PUBG मोबाइल को मतलब इंडियन गवर्नमेंट पूरे हल्के में दे रही है, ऐसा बात नहीं है। अभी तक मतलब इतना भी हवा में लेती तो यार टिकटॉक के जैसा ये भी खत्म हो चुका होता, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी समझ रही है कि एक ई स्पोर्ट गेम है और ई स्पोर्ट का बहुत आगे चल के मार्केटिंग आने वाला है इंडिया में, तो इसके लिए ये भी थोड़ी सी सोच रही है। लेकिन आपको एक पॉलिटिक्स की बात और बोलूँ तो आपको पता ही होगा कि PUBG मोबाइल के रिप्लेसमेंट में फौजी गेम हमारा आने वाला है, इसलिए बैन अभी तो भूल ही जाओ कि अनबैन होगा। तो पहले PUBG का अच्छे से ट्रायल होगा, देखेंगे कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अभी यार मैं तब से ढूंढ रहा हूँ कि यार कोई भी फौजी गेम से लेके अपडेट आए ताकि मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन अभी कोई अपडेट भी नहीं आ रही है। तो आप लोग आर्टिकल को देख चुके हैं, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सर्वर को डाउन कह मतलब सर्वर डाउन करने को कह दिया गया है। तो अब आप लोग यार पता ही होगा आप लोग के साथ अभी बहुत सारा ग्लिच हो ही रहा होगा गेम में, जैसा कि रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, और डाउनलोड है तब भी यार ड्रेस वगैरह आप लोग को नहीं दिख रहा होगा या कुछ स्किन्स नहीं दिख पा रही होगी या माइक ग्लिच वगैरह होते रहते होगी। मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है, ठीक है। हालांकि मेरा रिसोर्स पैक वाला तो हो गया है ठीक, लेकिन माइक ग्लिच ठीक नहीं हुआ है अभी तक। तो आपके साथ भी ऐसा कोई ग्लिच है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वहां पे मैं आपके लिए सॉल्यूशन वहां पे बताऊंगा आपको। लेकिन मेक श्योर करना, पहले फॉलो जरूर कर लेना उसके बाद ही सवाल करना, तभी मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा, वरना यार आपको मैं नहीं जवाब देता हूं। मतलब कितने लोगों को जवाब दूं, फॉलो वगैरह करते नहीं है और जाके सवाल पूछते हैं तो मैं क्या करूं भाई। तो अगर आपको फॉलो करना होगा सबसे पहले आके और मेरे को क्वेश्चन पूछने होंगे मैं जाके देखूंगा, फिर फॉलो देखूंगा कि फॉलो किया है आपने तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही है, आर्टिकल को आप ध्यान से समझो और कुछ दिन मत ही खेलो PUBG मोबाइल अगर नहीं खेल रहे हो तो, कंट्री का सवाल है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।